कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश है और अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के बाहर एक घर खरीदा होता है। घर के पास पहुंचने के बाद कैट को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। उसकी मॉम काफ़ी नाराज़ होती है इस कारण से कि उसने सिटी के बाहर घर खरीदा होता है, लेकिन कैट अपनी मॉम को मना लेती है। उसके बाद वो दोनों जन घर में पहला कदम रख देते हैं। घर पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, इस कारण वो दोनों जन जरा भी देर ना करते हुए घर को सफाई करने में लग जाते हैं। बीच बीच में हमें उन दोनों का रोमांस भी देखने को मिलता है। उसके बाद कैट जब किचन में चली जाती है तो उसे अजीब सा दिखाई देता है। वहाँ पर एक तोता मरा हुआ होता है, वो उसे दिखाई देता है और उसे देखकर वो पहले तो चौंक जाती है। उसके बाद उसे लेकर वो बाहर आ जाती है ताकि वो उसे वो अच्छी तरह से दफना सके। और इसी बीच उसका पति मैट घर के कुछ टूटे फूटे सामान को नीचे फेंकता है और उसके आवाज़ से कैट डर जाती है। मैट उसे सॉरी कहता है। उसके बाद वो अपने काम को कंटिन्यू करता है। वापस कैट उस तोते को देखती है तो वहाँ पर वो तोता मौजूद नहीं दिखाई देता और ये बात उसे अजीब लगती है। भला एक मरा हुआ तोता वहाँ से जा कहाँ सकता है, लेकिन वो अपनी सोच को वहीं पर छोड़कर अपने काम में लग जाती है। सामान नीचे फेंकते वक्त मैट को वहाँ पर एक चाबी का हिस्सा मिल जाता है और ये बात उसके लिए अजीब होती है। उसका वो दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए वो घर से बाहर आ जाता है और उसे वो मिल भी जाता है और उसे लेकर वो घर के अंदर आ जाता है, लेकिन सोच में गिरता है आखिर ये चाबी किस ताले की है। उसके बाद उसका ध्यान एक वॉलपेपर के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है और वहाँ पर वो कैट को भी भुला लेता है और उसके सामने मैट उस दरवाजे को ओपन करता है। और यहाँ पे उन दोनों को ये बात काफ़ी सरप्राइज लगती है क्योंकि आज से पहले उन्हें कभी ये पता नहीं था कि वहाँ पर एक खुफिया दरवाज़ा भी है और दरवाजे के पीछे एक रूम भी है। कैट जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर होती है बिजली की पावर कम ज़्यादा होने लगती है। मैट को लगता है कि वहाँ पर बिजली की कोई कंजम्पशन है तो वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैट वहाँ से बाहर निकल आती है। शाम को दोनों जन एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आज सुबह से उन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया होता है। अगली सुबह कैट अपनी पति को समझाती है कि तुम अपने काम पे फोकस करो, घर की चिंता तुम मत करो। दरअसल उसका पति एक पेंटर होता है। तभी कैट को भी वहाँ पर कॉल आ जाता है और वो कॉल एक जॉब के ऑफर के बारे में होता है। कैट वहाँ पर बिजी हो जाती है, लेकिन अभी भी मैट के दिल में वही एक बात खटकती है कि उस रूम में ऐसा है क्या। उसे ढूंढने के लिए वो फिर से उस रूम में चला जाता है और ठीक उसी वक्त इलेक्ट्रिशियन भी वहाँ पर आ जाता है। मैट उसे लेकर बेसमेंट में चला जाता है। अंदर काफ़ी सारे केबलों का जंगल होता है। उसे देखकर इलेक्ट्रिशियन भी काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि इसकी बनावट अजीब सी होती है। वहाँ से वो दोनों जन बाहर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन उसे पूछता है, आज से पहले आप लोग कहाँ रहते थे। मैट उसे सब कुछ सच सच बताता है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन उसे कहता है कि ये घर काफ़ी सालों से बंद पड़ा था क्योंकि आज से कई साल पहले इस घर के अंदर एक कपल का मर्डर हुआ था। उस दिन के बाद इस घर को किसी ने नहीं खरीदा। उसके बाद वो उसे गुड लक कहता है और वहाँ से वो चला जाता है। मैट वापस घर में आ जाता है और इंटरनेट के ऊपर उस मर्डर के सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है आज से कई साल पहले इस घर के अंदर एक कपल रहता था और उस कपल का बेरहमी से मर्डर हो जाता है और उस मर्डर के इल्जाम में उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अभी भी कातिल की पहचान होना बाकी है। और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। वो उसका स्केच बनाता है। उस रात वो काफ़ी शराब पी लेता है और उसी हालत में वो उस रूम में चला जाता है। शराब की बोतल ख़त्म होने की वजह से वो कहता है, काश और एक शराब की बोतल मिल जाती। तब उस रूम की लाइट चली जाती है। रूम की लाइट वापस आने के बाद उसके सामने उसी ब्रांड की शराब की बोतल मिल जाती है और यह देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वो डरते हुए उस बोतल को अपने हाथ में ले लेता है। अगली सुबह कैट की नींद भी खुल जाती है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम चल रही है ये बताने के लिए वो अपने हस्बैंड को ढूंढती है। लेकिन उसका हस्बैंड अभी भी उस रूम में मौजूद होता है, लेकिन इस बार उसके हस्बैंड के साथ उस रूम में कई सारी चीज़ें होती है। कैट उस रूम में आ जाती है और ये देखकर उसका हस्बैंड भी काफ़ी खुश हो जाता है। कैट उसे पूछती है कि ये सामान किसका है और ये कहाँ से आया है। वो उसे वहाँ की सारी चीज़ें दिखाता है, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन पेंटिंग उसे दिखाता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है, तुम्हें क्या चाहिए बस तुम बोल कर देखो। पति के बोलने के ऊपर वो डिमांड करती है पैसों की। पलक झपकाते हुए वहाँ पे उसे पैसे दिखाई देने लगते हैं। कैट को ये लगता है कि ये कोइंसिडेंट है, वहाँ पे पहले से कई तो रखे होंगे। तब उसका पति उसे फिर से कहता है कि तुम और ज़्यादा पैसे की डिमांड करो।
तब वो और ज़्यादा पैसे की डिमांड करती है। पलक झपकाते हुए उसकी डिमांड पूरी हो जाती है और ये देखकर कैट काफ़ी डर जाती है और वो रूम में से बाहर निकलने लगती है। तब मैट उसे समझाता है हमें इसका मजा लेना चाहिए और कैट भी उसकी बात मान जाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से ढेर सारा पैसे की डिमांड करते हैं और रूम उसे प्रोवाइड भी करता है। वो लोग दुनिया की हर एक चीज़ जो आम लोग उसे पाने के लिए ढेर सारी मेहनत करते हैं वो सारी चीज़ें उस रूम में से आसानी से उन्हें मिलने लगती है। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलने लगता है। एक दिन कैट को ये सारी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है। वो चाहती है कि हमें कोई तो अप्रिशिएट करे, लेकिन उनका हालत इस तरह से हो जाता है कि वो लोग एक दूसरे को भी अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। वो नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर वो घर के बाहर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैट आ जाता है और वो उसे पूछता भी है क्या हुआ तुम्हें, लेकिन कैट का अजीबोगरीब बर्ताव देखकर वो समझ जाता है कैट को ये सारी चीज़ें अब बोरिंग लगने लगी है। थोड़ी देर बाद मैट कैट के लिए एक सरप्राइज रेडी करता है और वो उसे लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है और वो उसे दिखाता है कि एक पालना है जो बच्चे के लिए रेडी किया है, क्योंकि मैट चाहता है कि हमें एक बच्चा हो और उसे देखकर हम दोनों भी खुश रह सके। लेकिन कैट उसे देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि कैट का पहले ही 2 बार मिसकैरेज हो चुका होता है और इस कारण उन दोनों के बीच में भी बहस शुरू हो जाती है। नाराज़ होकर कैट फिर से घर के बाहर आकर बैठ जाती है। मैट उसकी फीलिंग समझने लगता है और वो उसे कुछ पल के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से वो घर से बाहर निकल जाता है। काफ़ी टाइम हो जाने के बाद मैट फिर से अपने घर पे आ जाता है और वो अपने वाइफ को आवाज़ लगाता है, लेकिन इस बार उसके वाइफ के पास एक बच्चा होता है और ये देखकर मैट भी काफ़ी परेशान हो जाता है। दरअसल मैट जाने के बाद कैट ने उस रूम में एक बच्चे की डिमांड करती है और वो बच्चा वही होता है। मैट उसे देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। इस बीच दोनों के बीच में काफ़ी बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि मैट का कहना यह होता है कि चीज़ें मांगना तो आम बात है, लेकिन किसी इंसान का बच्चा मांगना ये नेचर के खिलाफ है। वाइफ चाहती है कि वो बच्चा हमारे पास रहे, लेकिन मैट उसे चाहता है वो बच्चा हमारा खुद का हो, हमारी प्यार की निशानी हो। लेकिन वाइफ और दोनों के बीच में काफ़ी बहस शुरू हो जाती है। फाइनली मैट उसे कहता है कि तुम इस बच्चे को अभी के अभी उस रूम में लौटा दो। तब वो दोनों जन फिर से उस रूम में आ जाते हैं, लेकिन इस बार मैट का भी दिल पिघल जाता है। वो सोचने लगता है कि इस बच्चे के वजह से कैट के मुंह के ऊपर एक छोटी सी मुस्कान भी आई थी, अब मैं भी वो छीन लूंगा तो उसके लाइफ में कुछ जीने के लिए बचेगा नहीं। इसके लिए उस रूम में वो बच्चा फिर से देने के लिए मना कर देता है और वहाँ से वो चुपचाप चला जाता है। लेकिन अभी भी मैट के माइंड में वो लड़का मौजूद होता है जिसे मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया होता है। वो जानना चाहता है आखिर उसने अपने मॉम डैड का खून क्यों किया। लेकिन फिलहाल उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा होता है। मैट उसे मिलना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ से निकलता है। लेकिन जाते वक्त वो अपने साथ कुछ पैसे लेकर जाता है और वो कुछ टाइम के बाद उसे मिलता है और वो लड़का उसे बस इतना ही कहता है, हो सके उतना उस घर को तुम खाली कर दो और उससे पहले तुम उस रूम में जाना बंद कर दो। वहाँ से सीधे मैट अपने घर की तरफ निकलता है। रास्ते में कार में पेट्रोल भरने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और जब पैसे देने की बात आ जाती है तो उसके हाथ में राख आ जाती है और वो सोचने लगता है घर से तो बाहर निकला था तब पैसे लेकर निकला था, लेकिन अभी मेरे हाथ में खाली राख है। और वो उसी स्पीड में घर की तरफ आता है और घर में आकर वो पैसे को घर के बाहर हवा में उड़ाता है। पलक झपकते ही सारे पैसे राख में बदल जाते हैं। तब वो इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो घर के अंदर की पेंटिंग को बाहर लेकर आता है, लेकिन इस बार आधी पेंटिंग को घर के अंदर रखता है और आधी पेंटिंग घर के बाहर रखता है। घर के बाहर का हिस्सा पूरा राख में बदल जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ से कोई भी चीज़ हम घर से बाहर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि घर से बाहर जैसे ही कोई चीज़ लेकर जाएंगे वो राख में बदल जाएगी। और ये सब देखकर मैट को गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से में उस रूम को तोड़ने लगता है। वो जानना चाहता है आखिर उस रूम के पीछे है क्या, लेकिन वहाँ पर पूरा का पूरा केबल का ही जंगल होता है। और यही बात को वो कंफर्म करने के लिए वो घर के कोने कोने को भी तोड़ने लगता है। वहाँ पर भी उसे केबल के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब तो साफ है कि ये घर पूरा का पूरा केबल से बना है। और इसी बीच कैट अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर जाना चाहती है, लेकिन मैट उसे रोकता भी है, लेकिन वो उसकी बात को ना सुनकर कैट उसे भी लेकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में कैट जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो बच्चा राख में बदलने वाला होता है, लेकिन मैट वहाँ पर जाकर उस बच्चे को अपने हाथ में उठाकर फिर से घर में लेकर आता है। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि किसी इंसान का बच्चा अगर कोई उस रूम में से मांगता है और वो घर के बाहर, वो पहले राख में नहीं बल्कि उसकी एज बढ़ती है और धीरे धीरे उसकी एज बढ़ते बढ़ते वो पूरा बूढ़ा हो जाएगा और उसके बाद उसकी राख होगी। और ये बात उसे पता चल जाती है।
कैट के लिए ये सारी चीज़ें नई होती है और वो परेशान होकर मैट से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब मैट उसे सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन अभी भी कैट को वो बच्चा प्यारा होता है, इसके लिए वो उसको अपना पास बुला लेती है। लेकिन मैट और कैट के बीच में वो बच्चा दीवार बन जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलने लगता है, वो दोनों जन अलग अलग रूम में रहने लगते हैं। कैट और बच्चा ये दोनों जन अलग रूम में रहते हैं और मैट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कुरियर में से एक चीज़ ऑर्डर करता है, लेकिन कैट को इसका पता नहीं होता कि उस बॉक्स के अंदर है क्या। एक दिन वो बच्चा घर से बाहर जाने की सोचता है, लेकिन सही टाइम पे कैट उसे अंदर खींच लेती है। उसके बाद कैट घर के हर एक हिस्से को जहाँ से लड़का बाहर जा सकता है उसे वो लकड़ी से पैक करती है और मैट उसकी ना चाहते हुए भी हेल्प करता है। लेकिन दूसरी तरफ मैट गन की प्रैक्टिस करता है ताकि ज़रूरत होने पर उसका ठीक तरह से यूज़ कर सके। दरअसल उस बॉक्स के अंदर उसने गन ऑर्डर की होती है जो अभी तक कैट को पता नहीं होती। एक दिन वो बच्चा अपने रूम में अकेला होता है और इसी बीच उसे उस घर का मैप दिखाई देता है और बच्चा उस मैप के हिसाब से वो बेसमेंट में चला जाता है। वापस बाहर आने के बाद वो उस रूम में चला जाता है जहाँ पे ज़रूरतें पूरी होती है। अगली सुबह मैट की आंखें खुलती है और उसके हाथ में वही डमी पीस होता है जो एक दिन पहले उस बच्चे के हाथ से गिरकर टूट चुका था। वो चौंक जाता है और वो तुरंत कैट के रूम में जाकर उसे ये बताता है। दोनों जन उस रूम की तरफ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस बच्चे ने उस रूम के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बना दी होती है और ये देखकर मैट काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उसी हालत में बच्चे को खींचकर उस रूम में से बाहर निकालता है और दूसरे रूम में डाल देता है और इसी बात के ऊपर उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। बच्चा काफ़ी डर जाता है और ठीक उसी वक्त उस आदमी का कॉल आ जाता है जिसे मैट मिलने गया था और वो उसे कहता है, अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो और इसे बाहर की दुनिया दिखाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उस आदमी का खून करना होगा जिसने इस बच्चे की डिमांड की है। और ये सारी बातें कैट दूसरे फ़ोन के ऊपर सुन लेती है और इस बीच वो भी काफ़ी डर जाती है और वो उसी हालत में गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर मैट भी पूरी बात समझ जाता है कि उस आदमी ने अपने मॉम डैड का खून क्यों किया। दरअसल उस लड़के को बाहर की दुनिया देखनी थी, इसीलिए उसने अपने मॉम डैड का खून किया होता है। तब मैट अपनी वाइफ को ढूंढने जाता है, लेकिन वाइफ उसकी वहाँ से चली जाती है। सारी बातें सुनकर मैट काफ़ी परेशान होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बच्चा आ जाता है और वो अपनी मॉम की डिमांड करता है, लेकिन मैट उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो जिद करने लगता है और यहाँ पर मैट का दिमाग घूम जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बताता है। मैट उसे कहता है कि असल में तुम हमारे बेटे नहीं हो, दरअसल उस रूम में से तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मांगा है। जैसे ही तुम इस घर से बाहर निकलोगे तुम मर जाओगे। और ये सारी बातें जानने के लिए उसे घर का डोर ओपन करके देता है। तब बेटा काफ़ी डर जाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। शाम को मैट को पछतावा होता है कि उस बच्चे को उसने ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर दिया है, इसीलिए वो उससे माफ़ी मांगता है और उस रात वो उसके साथ ही सो जाता है। कुछ घंटों के बाद कैट वापस घर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और वापस वो दूसरे कमरे में चली जाती है। मैट को जैसे ही ये पता चलता है कि कैट वापस घर आ चुकी है, मैट भी उसके पीछे चला जाता है और वो दोनों जन एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। उस रात वो दोनों जन इंटीमेट होते हैं और बाहर बच्चा ये सब कुछ देख लेता है। अगली सुबह मैट की आंखें खुल जाती है, तब उसे एहसास होता है कि दरवाज़ा खुलने की। मैट और कैट दोनों जन नीचे आ जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि बच्चा बाहर गया था और वापस आने के बाद वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस हालात को दोनों जन कुछ समझ पाते इससे पहले वो लड़का मैट के ऊपर गोली चलाता है। दरअसल उस लड़के को पता होता है कि मैट ने गन कहाँ पर छुपा कर रखी है और वो उसे मारना चाहता है ताकि कैट को अपने पास बुला सके। लेकिन कैट बीच में आ जाती है और वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। वो सिचुएशन लगभग हैंडल करने ही वाली होती है कि पीछे से मैट कैट को धक्का देकर वो उसके ऊपर झपट्टा मारता है और इसी बीच कैट भी बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद कैट को जब होश आ जाता है तो मैट उसे कहता है गोली लगने की वजह से वो बच्चा मर चुका है। कैट उसकी बॉडी देखने की डिमांड करती है, लेकिन मैट उसे कहता है कि मैंने उस बॉडी को घर से बाहर लेकर गया और हमेशा की तरह उसकी भी राख बन गई। कैट बाहर आकर ये सारी सिचुएशन को महसूस करने लगती है और काफ़ी दुखी हो जाती है। मैट उसे उठाकर फिर से घर में लेकर आता है, लेकिन अगले ही पल में हमें यह पता चलता है कि मैट ज़मीन पर अभी भी बेहोश पड़ा है। होश में आते ही वो सबसे पहले कैट को ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो कैट के साथ है वो नकली है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, नकली दिखने वाला मैट घर से बाहर कैसे आ सकता है। दरअसल जब कैट बेहोश थी तब उसने उस रूम के अंदर एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया था।
हूबहू असली घर की तरह उसने एक नकली घर क्रिएट किया था, और जब कैट को होश आ जाता है तब वो खुद नकली घर में होती है, और इसी कारण जब कैट बाहर आ जाती है तो उस मैट को घर से बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखने में जरूर वो घर का बाहर का हिस्सा है, लेकिन अभी भी असल में वो लोग उसी रूम में है। असली मैट अभी भी कैट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि रूम की लाइट कम ज़्यादा होने लगी है तो उसे पता चलता है हो ना हो कैट को अभी भी उस रूम में उसने रखा है। वो तुरंत उस रूम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के ने रूम को अंदर से लॉक किया होता है, इसीलिए वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। उस रूम की दीवार टूट जाती है तो वहाँ पर भी उसे केबल का ही जंगल दिखाई देता है। मैट उस जंगल के अंदर से दूसरी तरफ उस रूम के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर वो देख लेता है कि पूरा का पूरा उसने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया है, हूबहू घर के बाहर की तरह दिखने वाला जैसा। मैट आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ कैट मैट से पूछती है अब हमें आगे क्या करना चाहिए। नकली मैट उसे कहता है कि हम यहीं पर रहेंगे, ना ही हमारे पास कुछ पैसे है ना ही हमारे पास कोई अच्छी जॉब है। लेकिन इसी बीच कैट उसे पकड़ लेती है। दरअसल उस लड़के की एक गंदी आदत होती है खाना खाते वक्त कोल्ड ड्रिंक के अंदर का बर्फ चबाने की, और ये कैट देख लेती है। कैट तुरंत समझ जाती है कि ये नकली मैट है, लेकिन वो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखती है। अगले ही कुछ पल में मैट उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। दरअसल वो बड़ा इसीलिए होना चाहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। कैट वहाँ से भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली नकली मैट उसे पकड़ लेता है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है। असली मैट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कैट को ढूंढने की कोशिश करता है। एक पल ऐसा आ जाता है कि दोनों मैट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर कैट को चुनाव करना होता है कि असली मैट कौन है। दोनों जन एक दूसरे को असली और नकली बोलने की कोशिश करते हैं। तभी दोनों में से एक मैट कैट को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन अभी भी कैट कंफ्यूज है कि असली मैट कौन है, इसीलिए बच्चे के नाम से उस मैट को आवाज़ लगाती है। वो मैट पीछे मुड़कर देखता है, कैट को तुरंत पता चल जाता है कि वो नकली मैट है, और वो तभी उसी वक्त उसे सीढ़ियों के ऊपर से धक्का दे देता है। नकली मैट नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नकली घर पूरा का पूरा भुलभुलैया का होता है। वो कहीं से भी जाते हैं घूम फिर कर वहीं पर आ जाते हैं, और दूसरी तरफ नकली मैट को भी होश आ जाता है और उसकी असली शक्ल में वो आ जाता है। और यहाँ पे वो ज़रा भी देर ना करते हुए चाकू लेकर उस मैट को मार देता है, और यहाँ पर मैट का मर्डर हो जाता है। कुछ पल के लिए हमें भी यही लगता है कि मैट का मर्डर हो चुका है, लेकिन अगले ही पल में हमें ये पता चलता है कि उस घर की तरह कैट और मैट वो भी नकली होते हैं, और उसने उस नकली मैट को मारा होता है। यहाँ पर आप सभी लोगों के माइंड में एक सवाल होगा, नकली घर है ये तो हमें सभी को पता था, लेकिन नकली कैट और मैट ये लोग कहाँ से आए। दरअसल जब उस भुलभुलैया के अंदर वो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, तब मैट को एहसास हो जाता है कि हम अभी भी उस रूम में मौजूद है, और वो उसी रूम में एक डिमांड करता है हमारे जैसे दिखने वाले कपल की, ताकि उस लड़के को अपने जाल में फंसा सके, और प्लान कामयाब भी हो जाता है। असली कैट और मैट दोनों जन दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, और ये बात जब उस लड़के को पता चल जाती है कि ये नकली मैट है, वो भी उनके पीछे चला जाता है। दोनों जन तेजी से उस रूम के डोर की तरफ भागते हैं और डोर ओपन करके असली दुनिया में आ जाते हैं। पीछे से वो लड़का भी असली दुनिया में आ जाता है। कैट और मैट दोनों जन घर के मेन डोर की तरफ भागते हैं, और एक बार फिर वो लड़का मैट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर मैट उसे अपने ऊपर लेकर घर के बाहर जंप कर देता है। और जैसे ही उस लड़के को पता चल जाता है कि वो घर के बाहर आ चुका है, वो फिर से घर में जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर कैट घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। वो लड़का घर के बाहर होने की वजह से उसकी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है, और देखते ही देखते उनके सामने वो बूढ़ा हो जाता है और वो मर जाता है और उसकी राख बन जाती है। और ये सब कैट के सामने होता है, इसीलिए वो काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जैसा भी हो उसने उसे दिल से अपना बेटा माना होता है और उसकी दिल से परवरिश करने की कोशिश करती है। अब वो उसके आंखों के सामने मर जाता है, इसीलिए वो काफ़ी दुखी हो जाती है, और यहाँ पर मैट उसे संभाल लेता है। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, और इस मूवी का नाम है द रूम। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।